हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रेशियो से देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आज का टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन लिए जाएंगे बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी ट्रिक को आपको बताएंगे कि ऑप्शन से देख के आप क्वेश्चन को कैसे आंसर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर थंबनेल लगा दिया है कि बिना ऑप्शन के आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया जाता है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, और मैं ये भी बता दे रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं, जो भी थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, वो सब लोग क्वेश्चन करते हैं। बस फर्क इतना है कि कोई 2 मिनट में करता है, कोई 1 मिनट में करता है, कोई 10 सेकंड में करता है। तो आइए देखते हैं किस तरह क्वेश्चन को ऑप्शन देख के हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिया है ए अनुपात बी बराबर 7:9 और बी अनुपात सी बराबर 5:4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। आपको पहले मैं बता दे रहा हूँ आप कैसे, हम बताए थे, हम बोले थे कि जो ए अनुपात बी दिया है उसको लिख लीजिए 7 और 9। क्या लिख लीजिए? 7 और 9, और इधर वाला लिख लीजिए 5 और 4। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 7 5 35 और 9 5 45। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, और 9 6 36। ठीक है, 9 6 36। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 45 36, यानी तीसरे वाला हो जाएगा कि नहीं। भाई देखो, फिर से बता दे रहे हैं क्या करना होता, पहले वाले को ऐसे लिखो, एक स्थान छोड़ के इधर लिखो, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 7 5 35 और 9 5 45 और 9 6 36 तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आज हम बता रहे हैं ये भी तरीका आपको यूज नहीं करना, भाई इसमें भी तो टाइम लग रहा है। हम आपको बताए हैं कि हम ऑप्शन से बताएंगे किस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। भाई देखो, अगर ए और बी का अनुपात 7:9 है तो जो ऑप्शन है वो भी 7:9 ए बी का मान होना चाहिए। अब यहां पर देख लीजिए, 7 × 7 ये 35 नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। भाई ए और बी का जो रेशियो 7 और 9 के रूप में आना चाहिए, तो 7 × 7 7 9 कितना होगा? 63, यानी ये 45 ए वाला नहीं होगा। अब इसको काटते हैं, देखो अब 7 है, अब 4 7 28 होगा कि नहीं? देखो, 4 7 28 और 4 9 36, ठीक है, यानी ए हो सकता है। ठीक है, और ये कितना है? 35 है, तो 5 7 35, 5 9 45, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में चेक करना है कि कौन होगा। भाई 7 और 9 वाला तो बैलेंस हो गया, इधर कितना है? बी और सी का मान 5 4 होना चाहिए, तो इसको चेक करते हैं, ए 5 से कटेगा ही नहीं, 36 नहीं कटेगा, तो यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है, बचा कौन? सी वाला। भाई नन दिया है, यानी हो सकता है इसमें तीनों नहीं हो, इसलिए आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। तो देखो 5 और चेक करते हैं, 5 और 4, तो इसको काटेंगे, 9 5 45 9 6 36, फिर 9 5 45 9 6 36, यानी ये ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिना कोई फार्मूला कोई टिक के आप देख के आप आंसर कर सकते हैं। ये आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा आप 2 सेकंड के अंदर बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 6:9। तो बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा। हम बताएं भाई, अगर ए बी का अनुपात कितना है? 3:5 है, यानी इसमें ऑप्शन में भी 3:5 का रेशियो बनना चाहिए ए अनुपात बी का। जब देखो, अगर ये 5 है, ये 3:5 बन रहा रेशियो नहीं। भाई अगर देखो, अगर ये 3 है, यानी 3 का गुणज होना चाहिए, यानी देखो ये भी 3 का गुणज नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे वाला। आपको किसी तरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड लगा, आइए पूरा चेक करके आपको बता दे रहे हैं। भाई देखो, अब इसमें चेक करेंगे, देखो ये 6 है, ये कितना है? 15। भाई 3 और 5 के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, तो 2 3 6 2 5 10, भाई 2 3 6 2 5 10 पहला बैलेंस हो गया। दूसरा चेक करते हैं, बी और सी वाला, ये कितना है? 6 और 10। इसको थोड़ा सा और रेशियो शॉर्ट कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 2 6 3 3 9, यानी 2:3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2:3। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, 5 2 10 5 3 15, 5 2 10 5 3 15, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे वाला। दोस्तों बस कुछ नहीं करना है भाई, हम देखेंगे ए का वैल्यू कितना है, 3:5, ए और बी का रेशियो कितना है, 3:5, यानी ए का मान 3 है, यानी 3 का गुणज होना चाहिए। ना तो पहले हो रहा है, ना तीसरे हो रहा है, ना 4 हो रहा है, दूसरा बढ़ के
दूसरा हो रहा है, तुरंत हम ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। एक सेकंड लगा, आपको किसी भी फार्मूले या कोई ट्रिक अपनाने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन देख के लगा सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बड़े भी क्वेश्चन लिए जाएंगे, जहाँ आप करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हम ट्रिक से बताएंगे, सॉरी हम आपको ऑप्शन से बताएंगे किस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे कि आप विथ इन 2 या 3 सेकंड में आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए अनुपात बी कितना दिया है, 3:4, बी और सी का अनुपात कितना दिया है 8:9, और सी और डी का अनुपात कितना दिया है 15:16। तो आपको बताना है ए बी सी डी के रेशियो कितने होंगे। भाई बताएं, देखो ए और बी पहले चेक करेंगे, ए और बी कितने अनुपात में है, 3 और 4, यानी जो भी ए का वैल्यू होगा वो 3 का क्या होगा, गुणज होगा। भाई 3 25 से कटेगा नहीं, 30 कटेगा, हाँ यानी ये भी हो सकता ऑप्शन, ये कट जाएगा, ये भी हो सकता यानी चौथा भी नहीं होगा, यानी 2 ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब बचा कितना, 2 ऑप्शन। भाई 2 ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, रेशियो कितना होना, 3 और 4। अब देखो अगर इसे काटेंगे 10 3 30 और 10 4 40, ये कितना है 45, यानी ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। कितना टाइम लगा, 1 सेकंड 2 सेकंड, ठीक है। हम बताए हैं कि आपको 1 से 2 सेकंड में आपको पता चल जाएगी कौन सा ऑप्शन सही है। अब आपकी संतुष्टि के लिए मैं चारों ऑप्शन को चेक कर दे रहा हूँ, चारों वैल्यू को, ठीक है। अब देखो भाई ये 3 4 हो गया, ये ठीक नहीं भाई, 10 3 30 और 10 4 40। अब इन दोनों में रेशियो कितना होना चाहिए बी और सी में, 8 और 9, ठीक है। देखो 5 8 40 और 5 9 45। अब ये दोनों कितना होना चाहिए, 15 और 16, ठीक है। 15 3 45 और 16 3 48, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं, लेकिन हमें भाई वहाँ पीएचडी नहीं करना है, हमें पता चल गया कि तीसरा ऑप्शन सही है, तो तीसरा है, आगे मार के बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो एग्जाम में हर कोई सवाल लगाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सबसे कम समय में कौन लगाता है, ठीक है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर आप टाइम मैनेज कर ले गए तो आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। आप घर पर आइए लगाइए, वही क्वेश्चन आपसे लग जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया भाई 1:B का मान कितना है, 1:2, बी और सी का अनुपात कितना दिया है 3 और 4, सी और डी का कितना दिया है 6 और 9, और डी और ई का कितना दिया है 12:16। तो इसमें आपको बताना था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान कितना होगा, ठीक है। अब देखो भाई अगर ए और बी का रेशियो 1:2 है, तो हमारी स्टार्टिंग के जो भी हैं ए और बी के वैल्यू 1:2 में होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं रेशियो, तो क्या है, देखो पहला 1:3 है, और होना कितना चाहिए 1:2, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। 2 और 4, 2 1 2 2 2 4, यानी ये हो सकता है, और 3 है ये कितना है 4, ये भी नहीं होगा, 3 2 6, यानी ये दोनों हो सकता। अब कितने ऑप्शन बचे, 2। अब फिर चेक कर लेते हैं बी और सी का रेशियो कितना है, 3 और 4। भाई बी और सी का कितना होना चाहिए, 3 और 4। भाई ये देखो 2 2 4, 2 3 6, यानी 2 3 है, यानी ये नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अब एक ही बचा है 4, वो सही हो जाएगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, देखो 2 3 6, 2 4 8, ये हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर फिर चेक कर लीजिए सी और डी का, 6 और 3 है, ठीक है, 6 और 3 है। देखो जब इसको इस तरह दिया रहे, चेक करना हो आपको, इसको पहले छोटा बना लीजिए, 3 2 6 और 3 3 9। अब यहाँ से आप चेक कर पाएंगे, देखो 4 2 8 और 4 3 12, ठीक है। अब ये इसको 12 और 16 है, इसको भी आप छोटा बना लीजिए, कितना होगा, 4 3 12 और 4 6 16, 3 और 4 में होगा, तो इतना 4 3 12 और 4 6 16, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे वाला। हमने कहा था दोस्तों कि आपको, ठीक है, हम ऑप्शन से बताएंगे किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन से बता दिए आप एग्जाम में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। हाँ, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।